हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे Q&A पार्ट वन, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर का ये पार्ट वन है। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस, जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट्स में। ठीक, तो उससे पहले भी एक सबसे पहले बात कर लेते हैं कि UGC नेट जो नेक्स्ट होने वाला है, उसकी जो डेट है, अभी जो फॉर्म फिल करने की डेट है, फिर एक्सटेंड हो गई है। 31 मई 2020 तक थी, अब हो गई है 15 जून तक। ठीक, अगर आपने नहीं भरा अब तक, तो 15 जून तक आप सबमिट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो सब। और दूसरी बात, दूसरी मेन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम कब होगा। देखो, कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम डिले तो हो रहा है, लेकिन अभी भी जून जुलाई के महीने में कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। और गैदरिंग अभी 2 महीने तक, मोस्ट प्रोबेबली कि 2 महीने तो एटलीस्ट ये डिले होगा ही होगा। तो आपके पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन के लिए, राइट? तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे। नंबर क्वेश्चन था, आपके डिस्प्ले पे भी आ रहा होगा, सर बीएड की फीस बहुत ज़्यादा है मेरे स्टेट में, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बीएड कर सकूं, एंड मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, बट जॉब नहीं मिल रही है, अब मैं बीएड सोच रही हूं। देखो, सबसे बड़ा जो मेन है वो यूजीसी नेट क्वालिफाइड करने के बाद है। अभी तक तो हमारी प्रिपरेशन चलती है यूजीसी नेट कैसे क्वालिफाइड हो, लेकिन एक बार क्वालिफाइड होता है तो जॉब्स के लिए यहाँ पे हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो मेन बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, आपका अगर मास्टरी ऑफ द कंटेंट है, अगर कंटेंट की नॉलेज आपको शानदार है, तो आज भी कई इकोनॉमिक्स के इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, जो कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक्स की पोस्ट वैकेंट होती है, और कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते। ठीक, तो दूसरी बात, बीएड एक गोल्ड है, मैं पहले ही कहता हूँ बीएड गोल्ड है, उसको जब मर्जी कैश में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इससे एक आपको स्टैंप लग जाती है कि आप टीच कर सकते हो। और अगर आप मास्टर डिग्री आपने की है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, तब भी आप एलिजिबल नहीं होते स्कूल लेवल पे टीच करने के लिए। ठीक, तो श्योरिटी आपको बीएड देगा। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, तो आप एक पार्ट टाइम या फिर कुछ ऐसी जॉब कर लें कि जिससे आपकी फ़ीस पेमेंट हो सके। एक बार आप बीएड में एनरोल हो जाओ, तो कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो बीएड में एनरोल के बाद भी वो ले लेते हैं इजली। ठीक, खुद मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि मैं परसुइंग बीएड था, और मैंने स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जॉब की थी। ठीक, तो ये आपके पास अच्छा बेनिफिट ये रह जाएगा, बीएड में एडमिशन लो, और साथ के साथ किसी प्राइवेट स्कूल में पीजीटी पोस्ट पे, पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट पे आप एनरोल हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स है, चाहे आप कॉमर्स से हैं तो पीजीटी कॉमर्स आप एलिजिबल हो। ठीक, सो दूसरा क्वेश्चन है, सर मैंने पीजी की है तो बीएड कितने साल का होगा, प्लीज़ बताइए। देखो, बीएड आप पीजी की बात करो या यूजी की बात करो, ये सिर्फ 2 साल की होती है। ठीक, अभी इंटीग्रेटेड कोर्स आने वाला है, तो इंटीग्रेटेड हो सकता है इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का हो। ठीक, आफ्टर 12th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट मैनी टाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट विच बुक इज गिवन बाय हुम एंड व्हेन हाउ शुड इट बी रिमेम्बर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कि ये बुक किसने लिखी थी, या बुक की ईयर क्या है, पब्लिशिंग ईयर, तो ये कैसे याद रखें। सबसे बड़ी जो मेन कॉन्सेप्ट ये है ना, आप एक पॉइंट को लेके चलो। आप ये करो कि आज मैंने, मेरे पास टाइम है 2 घंटे, तो 2 घंटे मैंने यही करना है, ये जो पॉइंट्स हैं डिसाइडेड यही करने हैं। तो आज हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, बुक एंड ऑथर्स। बुक एंड ऑथर की लिस्ट आपको ऑलरेडी मे बी मैंने ऑलरेडी चैनल पर पब्लिश की हुई है, अगर नहीं है तो कोशिश करेंगे बुक एंड ऑथर्स, जितने भी ऑथर हैं, जितनी बुक्स हैं वो की हुई हैं। देखो, इसमें क्या करना है आपने, साइकोलॉजी ये कहती है अगर कोई भी चीज़ को आप कंटिन्यूसली 5 बार करते हैं बाय हार्ट, तो 6th टाइम हमें क्या हो जाती है, वो हमारी नर्व सिस्टम में चलने लग जाती है। तो अगर आप 5 टाइम भी अच्छी तरह से करते हो, तो नेक्स्ट आपकी वो नर्व सिस्टम में ही चलनी शुरू कर देगी, मतलब आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, सर मुझे ये जानना है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में डेफिनेशंस भी आती हैं, और इफ़ आती हैं तो कितनी सारी डेफिनेशन कैसे याद करें। तो मेन जो डेफिनेशंस का याद करना है, इसमें भी सेम मैटर, देखो डेफिनेशंस आएंगी, डेफिनेशन आती हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशन कि वेल्थ की डेफिनेशन किसकी है, स्कार्सिटी की डेफिनेशन किसकी है, रेंट की डेफिनेशन किसकी है, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक, तो ये चीज़ें के लिए मैंने एक बार आपको एक रिकमेंड भी की थी, वो था आपका हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट बुक। ठीक, सो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट आपको डेफिनेशंस वगैरह मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक जांगरा ने पूछा है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का ऑथर कौन है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट मतलब जो इकोनॉमिस्ट थे उनके थॉट्स
कई प्रोफेसरों ने या फिर कई इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक। तो जो मेरे ख्याल से जो बेस्ट है आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी वो है एरिक रोल एंड बैरन की, ठीक है, वो आपको इजीली मिल भी जाएगी। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा टायरलेस सोल, और थैंक यू सो मच, लेकिन इनका इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि ये @nilu@jadoo लिखते हैं, लेकिन इसका समझ नहीं आया ये मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सिर्फ एक बुक कौन सी है जिससे UGC में हेल्प मिले, मतलब शिवानी कंथवाल का ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं है जो आपका UGC नेट क्लियर कर दें, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से आपको पढ़ना पड़ेगा, हाँ ऐसा ज़रूरी है अगर आपने डिफरेंट बुक्स पढ़ ली फिर आप एक बुक स्पेसिफिक कोई भी परचेज कर लो, आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी कहाँ से, ऑनलाइन स्टोर से, ठीक। अब जो दूसरी बात मेन बात यह है लेकिन रिलायबल नहीं है वो सोर्सेज, मेन रिलायबल वही हैं जो आपकी PG की बुक्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़िए, ये आपके फर्दर भी काम आएगा जब आप मास्टरी ऑफ द कंटेंट मतलब आपके सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंक मौर्य, सर PGD इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताओ। देखो PGD इकोनॉमिक्स चाहे वो DSSB हो, KVS हो, NBS हो, मेन बात यह है चार बुक्स तो अच्छी तरह से करो जो 11th और 12th में है, ठीक। मतलब स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो, ये चार बुक्स ऐसी हैं जिनमें आपका कम से कम 40-50% कवर हो जाएगा, रेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद जो दो नहीं करनी, ठीक है, जो दो नहीं करनी वो है आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, वैसे 12th लेवल का ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स छोड़ दो, इकोनोमेट्रिक्स छोड़ दो, बाकी जितना भी है वो एज इट इज़ नेट की तैयारी करो, ये PGT जितने भी एग्जाम्स है वो ईजिली निकल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है IM स्वारा ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर इंडियन इकोनॉमी का नेट के लिए कहीं से भी स्पेसिफिक मटेरियल नहीं मिल रहा है, क्या आप इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियोस अपलोड कर दो प्लीज़, जस्ट फ्यू मंथ्स लेफ्ट नाउ फॉर UGC नेट एग्ज़ाम 2020, थैंक यू सो मच। तो इसका जो मेन जो है इंडियन इकोनॉमी में जो चेंज होने वाला है वो है सिर्फ डेटा ही चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक। तो देखो मान लो आपने प्लानिंग करनी है, इंडियन प्लानिंग तो सेम रहेगा, प्लानिंग कमीशन सेटअप डेट थी वो तो सेम रहेगी, और पॉवर्टी पड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट पड़ा है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, सिर्फ जो चेंज होगा वो होगा डेटा। अगर स्ट्रक्चर आपको पता लग गया कि स्ट्रक्चर ये है तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो डेट्स हैं उसको आप नेट में सर्च करनी है कि पॉवर्टी रेट कितनी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, ठीक है, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कितना है, और मनी एंड मार्केट भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो मनी एंड मार्केट का भी सेम है, एक बार स्ट्रक्चर समझ आ गया ना आपको तो इजिली ये चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी, सिर्फ स्ट्रक्चर समझो। और हाँ दूसरी बात, अगर आपको ऐसी बुक्स में भी कहीं स्पेसिफिक नहीं मिलेगा कि आपको अगर 2019 की बुक है उसमें भी थोड़ा सा डाटा पुराना होगा, तो जो न्यू डाटा है वो आपको रिलायबल सोर्सों से मिल जाएगा, इंटरनेट से, ठीक, एक नहीं वहाँ बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजल निचानी, सर आपकी टीचिंग, आपका कंटेंट सुपर्ब है, तारीफ, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इन द एग्ज़ाम ऑफ UGC नेट मेनी टाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट विच बुक इज गिवन बाय होम एंड व्हेन, हाँ ये तो क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है PGT की तैयारी कर रहे हैं तो क्या साथ साथ नेट की तैयारी भी करनी चाहिए या नहीं। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं ना उनका स्टेट PCS निकल जाता है, UPSC की तैयारी करते करते स्टेट PCS निकल जाता है, अब UGC नेट की तैयारी करते करते आपका निकल जाएगा PGT, डैम श्योर है PGT निकलेगा, लेकिन उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है मास्टर डिग्री के बाद आपकी BEd, ठीक। तो आप PGT पे ध्यान मत दीजिए, नेट पे ध्यान दीजिए, UGC नेट की अगर तैयारी होगी तो PGT आपका तो वैसे ही निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर प्लीज़ यूज़ उर्दू एंड इंग्लिश एज वी आर नॉट एबल टू गेट यू इन हिंदी। देखो इंग्लिश उर्दू जबान तो नहीं आती, लेकिन हाँ इंग्लिश और हिंदी में मेन प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादा जो व्यूवर्स हैं ना वो अपने कनेक्टेड हैं साउथ इंडिया से भी और नॉर्थ इंडिया से भी, तो डाटा अपना जो होता है, जो कंटेंट होता है वो इंग्लिश में होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम क्या करते हैं उसको इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, तो क्या है? दोनों के लिए सूटेबल हो जाता है। ओके तो ये कुल मिला के आज के थे क्वेश्चन एंड आंसर्स, और जो भी आपकी क्वायरीज हैं आप नेक्स्ट लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको कोशिश करेंगे कि उसको फ्रेम आउट हो क्वेश्चन, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिस्कस करेंगे एक टॉपिक ऐसा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या इकोनॉमिक्स की स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, क्या जो थ्योरेटिकल हम पढ़ते थे इम्पोर्टेंस इसकी क्या वही है, या इसके बाहर भी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस है, क्या हमें इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, मेन अपना कारण क्या होता है जो हम स्टडी कर रहे हैं या फिर हम कहीं बाहर अब्रॉड पढ़ रहे हैं या फिर जो मेन यहीं हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं,
उसका मेन रीज़न यही है, हम क्या है, एक जॉब हमें मिल जाए, ठीक है, अच्छी सी जॉब मिल जाए। अब कुछ भी कहो, एजुकेशन का पर्पज़ दूसरा है, हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए हमें ये जॉब चाहिए या फिर हमें ये पढ़ाई करनी है। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देगा, आपको सोशल स्टेबिलिटी देगा। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।